बच्चों, पिछले क्लास में हमने देना सीखा, यह पद्य सीखा था, ठीक है। उस पद्य का अभी प्रश्न उत्तर हमें लिखना बाकी है, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी, प्रश्न आपको पढ़कर सुनाऊंगी और उत्तर जो है यहाँ पे बोर्ड पर मैं आपको लिखकर बताऊंगी। तो आपको क्या करना है कि अपने क्लास वर्क में यहाँ पे प्रश्न जो और टेक्स्ट बुक में है वो कॉपी करके लिखना है और उत्तर जो है यहाँ से कॉपी करके आपको लिखना है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहले कैसे लिखना है आपको, फर्स्ट में मिडल में लिखोगे आप पाठ का नाम यानी कि पद्य का नाम जो है देना सीखे। उसके बाद नीचे आप लिखोगे उससे पहले देना सीखे, उससे पहले इन मार्जिन में यानी कि ऊपर जो रहता है एक लाइन पे, वहाँ पे आप लिखोगे डेट, डेट लिखोगे, उसके बाद डे लिखोगे, उसके बाद पाठ का नाम लिखोगे, उसके बाद जो है आप ये यानी कि शब्दार्थ, डिफिकल्ट वर्ड्स, शब्दार्थ जो है यहाँ है रोशनी, और आपको मैंने बताया भी था दूसरे दूसरे वर्ड्स वो भी आपको लिखने हैं। उसके बाद है कविताओं से सीखे, कविता से सीखे, उसके बाद है बताओ, बताओ का जो पहला प्रश्न है वो है क, क का पहला प्रश्न है सूरज हमें क्या देता है, सूरज हमें क्या देता है, सूरज हमें रोशनी देता है। तो मैं यहाँ पे उत्तर सूरज हमें रोशनी देता है करके उत्तर लिख देती हूँ बोर्ड पर, आपको अपने क्लास वर्क में ऐसे ही उतारना है। चलिए सीखिए, पाठ का नाम है देना सीखे। पहले प्रश्न का उत्तर जो है वहाँ है सूरज हमें क्या देता है, तो सूरज हमें रोशनी देता है, सूरज हमें रोशनी देता है। दूसरा प्रश्न ये है हवा हमें क्या देती है, हवा हमें क्या देती है, हवा हमें जीवन देती है, हमें श्वास लेने के लिए हवा की ज़रूरत है, जब हवा ही नहीं चली तो हम श्वास नहीं ले पाते। तो यहाँ पे उत्तर क्या है, हवा हमें क्या देती है, हवा हमें जीवन देती है। हवा जीवन देती है। चलिए यहाँ रहा दूसरे प्रश्न का उत्तर। अभी तीसरा प्रश्न है धरती पर खेती क्यों होती है, धरती पर खेती क्यों होती है। मैंने बताया था आपको धरती पर खेती भूख मिटाने के लिए होती है, दाना पानी उगे तो ही हमें खाने के लिए मिलता है, तभी तो हमारी भूख मिटती है। तो यहाँ पे उत्तर है भूख मिटाने के लिए धरती पर खेती होती है, ठीक है। तीसरा, भूख मिटाने के लिए धरती पर खेती होती है, खेती होती है, ठीक है। यहाँ हो गया तीनों प्रश्नों का उत्तर। चलिए अब चलते हैं पेज नंबर अगली तरफ। हमें जीवन में क्या सीखना चाहिए, हमें जीवन में क्या सीखना चाहिए, औरों का हित करना हमें सीखना चाहिए, ठीक है।
औरों का हित करना हमें सीखना चाहिए। चलिए मैं यहाँ पे लिखूंगी, पहला वाला जो है हमें क्या सीखना चाहिए, औरों का हित करना सीखना चाहिए। हित करना सीखना चाहिए। दूसरा वाला जो है, वृक्ष को त्यागी क्यों कहा है, वृक्ष हमें क्या देते हैं, वृक्ष को त्यागी क्यों कहा है और वो हमें क्या देते हैं। वृक्ष को परोपकारी कहा गया है क्योंकि वो वहाँ खुद के लिए कुछ नहीं करता, जो करता है अन्य के लिए करता है, तो उसको परोपकारी कहा गया है। इसीलिए कि वृक्ष हमें जल देती है, जल देती है, माफ़ कीजिए, जलती दोपहर में धूप देती है, छाया देती है और फूल और फल अन्न देते हैं। ठीक है, यहाँ और एक बार दोहराती हूँ, वृक्ष परोपकारी है, इसलिए वृक्ष हमें जलती दोपहर में छाया देती है, फूल देती है, फल देती है और अन्न जीवन देती है, इसीलिए इसको परोपकारी कहा गया है। तो यहाँ पे लिख देती हूँ, देखिए, वृक्ष को परोपकारी कहा गया है क्योंकि वृक्ष हमें जलती दोपहर में छाया देती है फूल फल अन्न और जीवन देती है, जीवन देता है, माफ कीजिए, जीवन देता है। ठीक है, यह रहा पहले दूसरे प्रश्न का उत्तर। अभी तीसरा प्रश्न जो है वो है, पिछड़े हुए लोगों का उद्धार किन्हें करना चाहिए, पिछड़े हुए लोगों का उद्धार किन्हें करना चाहिए, जो आगे बढ़ चुके हैं उनको पिछड़े हुए लोगों का उद्धार करना है। ठीक है, पिछड़े हुए लोगों का उद्धार किन्हें करना चाहिए करके पूछा है यहाँ पे, तो पिछड़े हुए लोगों का उद्धार जो आगे बढ़े हुए लोगों को ही करना चाहिए। ठीक है, यहाँ देखिए, जो समाज में आगे है वैसे लोग पिछड़े हुए लोगों को उद्धार करना चाहिए। ठीक है, यहाँ रहा उत्तर। अभी जो है चौथा वाला उत्तर, जो चुपचाप है उन्हें हम क्या दे सकते हैं, जो चुपचाप है उन्हें हम क्या दे सकते हैं, जो चुपचाप है उन्हें हम वाणी दे सकते हैं। तो चलिए इसके बाद उसका, चलिए अब चौथा वाला प्रश्न का उत्तर लिखते हैं। ठीक है, जो चुप है उन्हें हम वाणी दे सकते हैं, जो चुप है उन्हें वाणी दे सकते हैं,
है। पांचवा पांचवा प्रश्न है, नया उजाला कैसे होगा। नया उजाला कैसे हो सकता है, मैंने कहा था कि मेहनत का दीप जलाने से नया उजाला हो सकता है, ठीक है। मेहनत का दीप जलाने से नया उजाला होगा, ठीक है। यहाँ है सभी प्रश्नों के उत्तर। अभी आपको क्या करना है, कविता की पंक्तियां पूरा करो, कविता की पंक्तियां पूरी करो। आपको क्या करना है, सूरज हमें ढांच देता है तो पूरा पद्य, पूरा पद्य यानी कि फर्स्ट सेकंड पैरा, सूरज हमें रोशनी देता है, हवा नया जीवन देता है, भूख मिटाने को होती है सबकी, धरती पर होती खेती, ठीक है। औरों को भी, औरों का भी हित हो जिसमें हम ऐसा कुछ करना सीखें। यहाँ तक आपको अपने क्लासवर्क में लिखना है। क्लासवर्क में लिखने के बाद आगे का जो है सही विकल्प पर सही चिन्ह लगाओ भैया, अगले क्लास में हम सीखेंगे। तब तक के लिए आपको ये क्लासवर्क में कंप्लीट करना है। धन्यवाद।